ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग जो शुरू किए थे, पढ़ रहे थे हम लोग कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो था उससे कंपेयर करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो जो जो फॉर्मूला उसके लिए था वही वही फॉर्मूला इसके लिए है। ठीक है, यानी कि हर चीज हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर फॉर्मूला, जैसे कि अगर हम बोले फोर्स तो जीरो ही आ रहा था, कपल बन रहा था, फोर्स जीरो हो रहा था। टॉर्क, टॉर्क हम लोग इलेक्ट्रिक वाले में देखे थे पी क्रॉस ई आता है और इसमें एम क्रॉस बी आ रहा था। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको एक्सियल पोजिशन में फाइंड करना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में 2 KP/r³ होता है, के यानी कि 1/4 πε₀। वैसे ही यहाँ पे 2 μ₀/4π×m/r³ आया था, यानी कि सारे चीज जो भी है पोटेंशियल एनर्जी से लेके सारा फॉर्मूला सिमिलर वे में। ठीक है, तो हम लोग देखे थे उसके लिए डायपोल के लिए, और चार्ज के लिए हम लोगों ने देखा था, एक क्वेश्चन से करके देखा था, अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा राउंड राउंड तो उसमें हम लोग करंट मान सकते हैं और उस करंट मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दो चीज हम लोग का इसमें छूट गया है, उस चीज को देखते हैं। छोटा सा एक चीज था वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या होता है? ठीक है, यानी कि आज जो है लगभग हमारा फोर्स वाला जो पार्ट है वो लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का शुरू होगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, और अगर हम करंट कैरिंग कॉयल ये सब हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग NIA को डिफाइन करते थे। नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट होगा उसमें कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे यानी किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम लोग फाइंड करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर उसी केस में हमारा सोलेनोइड आएगा, टोरॉइड आएगा, तो वो सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे जिसमें हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग शेप दिया रहेगा और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। और उसमें हम लोग एक छोटा सा जो हम फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला बोल रहे हैं, लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ, वैसे ही यहाँ भी हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। तो लगभग नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, इसमें जो भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स रह गए हैं, जो पॉइंट्स जो रह चुके हैं उन चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे अभी जो हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, इसके बाद देखेंगे साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है इस बार CBSE से डिलीटेड पोर्शन में है, फिर भी क्या और कैसे वर्क करता है, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, वो चीज हम लोग को जानना जरूरी है, तुम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो, ठीक है, तब किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो उसपे फोर्स वो रेस्ट में रहे, मोशन करे या एक्सेलरेटेड रहे, किसी भी केस में उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में हम जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहा यानी कि वेलोसिटी जीरो हो गया तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो रेस्ट रहे, मोशन रहे, कुछ भी रहे, तब भी फोर्स लग रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेंगे तो क्या होगा, कैसा होगा। तो जो वेलोसिटी सिलेक्टर होता है उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता है कि दो प्लेट्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्लेट्स, जैसे कैपेसिटर में प्लेट्स हुआ करते थे, इस प्लेट पे हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ठीक है, और इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज, यानी कि प्लेट्स है,
मेटेलिक प्लेट बोल सकते हैं, यानी कि कंडक्टर, और ये इस पे चार्ज दे दिए। अगर ऐसा चार्ज हम प्लेट पे दे दिए तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसा जनरेट हो गया होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चला गया होगा। यानी कि हम जो ऊपर नीचे बोल रहे हैं ये ऐसा हमारा थिन प्लेट्स है, ठीक है, इस पे चार्ज है, यानी कि वो बोल सकते हैं सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे तो वैसे ही हम इसमें प्लेट्स मान सकते हैं, ठीक है। तो सिंपलिसिटी में हम ऐसा दिखा रहे हैं, 3D में नहीं दिखा रहे। अब इधर की तरफ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, हम क्या किए कि इसी फील्ड में, ये जो फील्ड हमको दिख रहा है इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दिया, किसी तरीके से इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो किधर है, इनटू द प्लेन है, यानी कि सिचुएशन ऐसा कुछ हो गया किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या किए, एक चार्ज पार्टिकल को लिए, एक चार्ज पार्टिकल लिए जिसका क्यू चार्ज, इसको हम किसी भी वेलोसिटी से इसमें फेंक दी, तो ये जो सेटअप होता है ये हमारा सेटअप होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि वेलोसिटी को सिलेक्ट करता होगा, सिलेक्ट किस चीज के लिए, तो हम लोग इसमें वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं अपने फर्दर आगे की प्रोसेस के लिए, जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि अल्फा पार्टिकल बोम्बार्डमेंट, जैसे थॉमसन मॉडल था तो उसमें अल्फा पार्टिकल को हम लोग गोल्ड फॉयल पे बोम्बार्ड कराते हैं, तो अल्फा पार्टिकल को हम सीधे सीधे फेंके कैसे होंगे, टेढ़ा टेढ़ा ही क्यों नहीं गया, सीधा ही क्यों गया, तो हम उसको इससे फेंकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम उसको वेलोसिटी सिलेक्टर से फेंके तो एक पार्टिकुलर वेलोसिटी में मान लेते हैं जा रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ बीच में आया, जस्ट जब आया, तो हम मान लेते हैं इधर की तरफ भी, तो हमको इस फिगर से दिख रहा है कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यानी कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो गया, वैक्यूम है तो मास का कोई रोल नहीं है, ऊपर की तरफ FM, कितना QVB, नीचे की तरफ FE, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी Q इनटू E। अगर इस पार्टिकल को विदाउट डिफ्लेक्शन V से जाना है, अगर इसको विदाउट डिफ्लेक्शन जाना है, यानी कि ये अगर डिफ्लेक्ट ना करे अपने पाथ से, यानी कि ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, तो क्या केसेस हो सकते हैं, उस चीज का हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर वन, यानी कि इफ एफ एम इजकल टू आ गया FE, FM अगर FE आ गया तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसको, FM अगर FE के बराबर आ गया, यानी कि एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा, एफ नेट अगर जीरो है तो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा बी चला जाएगा विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है विदाउट डिफ्लेक्शन चल जाएगा, तो जाने के लिए वी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है क्यू वी बी इजकल टू क्यूवी के बराबर है, तो क्यू से क्यू गया, यानी कि वेलोसिटी जो है इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये जो वेलोसिटी है अगर ई बाई बी के रेशियो के बराबर रहा तो ये विदाउट डिफ्लेक्शन जाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं, यानी कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर का पर्पस होता है कि ई बाई बी रेशियो से जो हम वेलोसिटी से चाहते हैं कि फेंके, तो वैसा ही ई और बी हम सेट कर लेते हैं, और सेट करेंगे तो सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा ये प्लस माइनस था तो इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसा सीधा विदाउट डिफ्लेक्टेड चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी केस में बोल रहे हैं केस टू, अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है ज्यादा हो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या होगा, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इस पे जो नेट फोर्स है
इधर FM आ रहा है, नीचे QE आ रहा है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड M2 है, तो ये जो है नेट फोर्स ऊपर की तरफ रह रहा है, एफ नेट ऊपर रह रहा है, तो ये इधर जाने की वजह है इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, सीधा सीधा नहीं जा पाएगा। वैसे ही अगर केस थ्री का बात कर रहे हैं, तो केस थ्री वही मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स से कम हो। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से कम रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी कि इसको जाना इधर था लेकिन जाएगा इधर, यानी कि ये सीधा सीधा नहीं जाके इधर जाके हो सकता है टकरा जाए या कुछ भी। ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम ये दिखा रखे हैं, सब भी निगेटिव चार्ज होगा तो उसका पाथ उल्टा हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो वेलोसिटी सिलेक्टर का कंडीशन है यही है, हम लोग इसी पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और उसमें से हम चार्ज पार्टिकल को अगर फेंक रहे हैं वो सीधा सीधा पास कर जाए, यानी कि हमको इधर अगर बॉम्बार्डमेंट कराना हो तो सीधा फेंकेंगे, ऐसा नहीं कि टेढ़ा जाए ऐसा जाए, तो सीधा के लिए हम लोग इसमें से फेंक देते, सेम वेलोसिटी से सब पे जाएगा। अगर उसका वेलोसिटी ऊपर नीचे रहा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा या कम रहा, वेलोसिटी पे इंडिपेंड कर रहे हैं, ज्यादा या कम रहा तो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और सीधा नहीं जाएगा। ये था छोटा सा वेलोसिटी सिलेक्टर, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, पॉइंट में कुछ ज्यादा है नहीं, बस यही रखना है कि वी जो होगा ई बाई बी के रेशियो में होगा, तो हम वेलोसिटी सिलेक्टर में इसी चीज को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग, हो सकता है कि हमारे पास मीटर, ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास चार्जेस के मतलब आयंस मौजूद हो, कह सकते हैं पॉजिटिव आयन है निगेटिव भी आयन है, सब कुछ मिक्सर है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम उसमें से पॉजिटिव आयन ही कहीं पार्टिकुलर जगह पे फेंकना चाहते हैं, तो उसमें से हम निगेटिव आयन को छाटेंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन्स और निगेटिव आयन्स दोनों को सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इट इज अ डिवाइस, used to separate ions, ठीक है, ions यानी positive ions और negative ions to their on the basis of, कर सकते हैं on the basis of mass to charge ratio, ठीक है, mass to charge ratio इसलिए क्योंकि अगर हम देखेंगे आगे चल के तो रेडियस आएगा भी, अगर किसी फिक्स्ड वेलोसिटी से किसी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो आर जो डिफाइन करेगा चार्ज है मास ही करेगा, क्योंकि आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी होता है, अगर इन दोनों को फिक्स कर दे तो मास और चार्ज ही जो है डिसाइड करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मास बाई चार्ज रेशियो, कैसे उसको हम लोग अभी देखते हैं। जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें जाने से पहले सेटअप कैसा होता है उस चीज को देखते हैं। ये हमारा सेटअप ऐसा कुछ होता है, यहाँ से एक पतला सा छोटा सा ओपनिंग होता है और ये ब्लॉकेज होता है और इधर ये जो हमारा होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, ये जो होता है हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर ऐसा है
तो ये जो होता है वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी हम मान लेते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इधर निगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से अब सारे आयन्स को फेंकेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम इनटू द प्लेन ही रख लेते हैं, तो ठीक है, ऐसा रखेंगे कि दोनों का जो फोर्स लगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, सेम में लगेगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इसको अगर इधर हम चार्ज पार्टिकल है इसका मास सेम है ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये डिपेंडिंग ऑन ये क्या होगा, कुछ पार्टिकल जो क्यू बाई एम को सेटिस्फाई करेगा ऊपर पास करेगा, कुछ इधर जाके इधर टकरा के रह जाएगा इधर ही, तो ये तो पास ही नहीं कर पाएगा। अब जो जो जिस जिसका वेलोसिटी वी हो, यानी कि वी इक्वल टू ई बाई बी हो, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो सीधा सीधा यहाँ तक पहुंचेगा। अब यहाँ पहुंचा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहता है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे जैसे ही चार्ज पार्टिकल पहुंचा, ये चार्ज पार्टिकल बहुत सारा है, वी से यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, देखो ध्यान से कि जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा उस पर फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा और वो इधर की तरफ ऐसा आ जाएगा, यानी डिपेंडिंग ऑन देयर ऐसा आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन देयर ये जो रेडियस है, डिपेंडिंग ऑन देयर मास बाई चार्ज रेशियो होगा, यानी कि आर जो होगा वो हम लिखते हैं एम बी बाई क्यू बी। अब यहाँ से यहाँ तक आना है तो सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेम, यानी कि यहाँ से फेंके तो वी क्या रहा, वी जो रहा यहाँ पे कांस्टेंट रहा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है अगर ये बी गिवन है तो आर जो है प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू है, यानी कि जिसका जो रेडियस है वो यहाँ से जो भी रेडियस बन रहा है आर वन बोले आर टू बोले जो भी है, तो एम बाई क्यू रेशियो पे डिपेंड है। अब ये सब जो आ रहा है ये सब पॉजिटिव आयन्स के लिए है, अगर वही निगेटिव आयन्स होता तो निगेटिव आयन्स होता तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि उस पे फोर्स जो लग रहा होता इधर की तरफ लग रहा होता, और ऐसा कुछ उसका भी रेडियस अलग अलग आता डिपेंडिंग ऑन चार्ज बाई मास रेशियो, यानी कि इधर हम जो बोल रहे हैं ये सारे सब किसके लिए है, तो निगेटिव चार्जेस के लिए। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारा ये सेटअप होता है, इसमें हम वेलोसिटी सेलेक्टर से वेलोसिटी यानी फिक्स्ड वेलोसिटी से हम सारे चार्ज जो भी चार्ज पार्टिकल्स उसको फेंकते हैं, छोटा सा ओपनिंग होता है, बाकी जो इस वेलोसिटी से नहीं जा पाएगा वो इधर ही रह के इधर टकरा के रह जाएगा, उस पार नहीं पार कर पाएगा, और उधर जो भी जा रहा है वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है। अगर मान लेते हैं न्यूट्रल होता तो वो सीधा ही ऐसा चल जाता, हो सकता है न्यूट्रॉन हो तो सेम स्पीड ऐसे चला गया, तो ये जो होगा वो न्यूट्रल के लिए होगा, न्यूट्रल होता है वही अनडिफ्लेक्टेड होता है, तो न्यूट्रल सीधा चला जाएगा, तो ये तो होगा हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, जब हमारे पास बहुत सारे आयन्स है सब मूव कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव आयन्स निगेटिव आयन्स को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, और रेडियस जिसका एम बाई क्यू रेशियो ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका एम बाई क्यू रेशियो कम होगा उसका रेडियस कम होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ एम बाई क्यू रेडियस हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वही साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या डिवाइस होगा, क्यों यूज करते हैं, तो उन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे साइक्लोट्रॉन जो होता है एक डिवाइस है जिसमें हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम पुट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को मान लेते हैं आम तोड़ना है या कुछ भी तोड़ना है, तो क्या करते हैं पत्थर उठाते हैं दे मारते हैं, यानी कि पत्थर को वेलोसिटी देते हैं वो जाके आम पे टकराता है टूट जाता है, ठीक है, एक दो आम तोड़ना हो ऐसा ही तोड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, या फिर
बम्बार्डमेंट वाले ही केस में, या फिर यहीं पे आयंस को हम वेलोसिटी दे रखे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस किए कि चार्ज पार्टिकल इतने वेलोसिटी से मूव करा, इस डायरेक्शन में मूव करा, चार्ज पार्टिकल जो है उसको वेलोसिटी कैसे देंगे? क्या हम उसको उठा के फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते हैं। चार्ज हमको दिखेगा ही नहीं, उठा भी लेंगे उसका मास हमको पता नहीं चलेगा, हम फेंकेंगे कैसे, उसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि गुलेल लिए, लगाए, फेंक दिए, मारे, एकदम स्पीड बहुत तेज जा रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग ये डिवाइस यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन। यानी साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होगा जो अगर रेस्ट में रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल, तो उसमें भी वो एक्सेलरेट करके उसको कुछ स्पीड दे सकता है, वेलोसिटी दे सकता है। कैसे देता है, तो उसी चीज पे हम लोग को चर्चा करना है। तो बोल सकते हैं, इट इज डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये जो होगा हमारा, ये एक हमारा एक डिवाइस है जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मतलब रेस्ट में भी रहा तब भी उसको एक्सेलरेट कर सकता है, एक्सेलरेट करके उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसके कंस्ट्रक्शन कैसा करें, कितना चार्ज है, क्या मास है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम उसका वेलोसिटी कितना प्रोवाइड कर सकते। तो सब देखेंगे धीरे धीरे कि कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, क्या क्या आता है उसके बेसिस पे। ये इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन में है, यानी कि बोर्ड में नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता है कि ऐसा है, इसके ऊपर दो डी शेप के है, डी टाइप का ऐसा दो पोर्शंस रखे होते हैं, ठीक है, ऐसा 2 डीज रखा होता है। इसका शेप डी जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीज, ठीक है। इसको यहाँ से सोर्स से कनेक्टेड होता है, ये जो होता है कंडक्टर होता है, कंडक्टर का मेड होता है सोर्स है, तो इस पे एक बार पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव। जैसे अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव था, एसी सोर्स है, एक बार इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी पे इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। दूसरा कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस डीज में ऐसा अंदर की तरफ होता है, मान लेते हैं अंदर या बाहर कैसा भी वो डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करता है। इसी चीज को 2D में हम बना रहे हैं, ये हमारा एक डी हो गया, ये हमारा दूसरा डी हो गया, और इसको हम यहाँ से किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखे हैं, यानी कि सोर्स कंडक्टर है, यानी कैपेसिटर जैसा वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि ये कैपेसिटर है, यानी कि बीच पे इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसमें हम बोल देते हैं कि इनटू द प्लेन है, ऐसा सिर्फ जो डी वाला पोर्शन है उसी में ऐसा प्लेन है, और ऐसा ओपनिंग है वहां पे। अब कैसे वर्क करता है, तो
तो देखो यहाँ पे कि अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है। अब यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसको हम छोड़ दिए। हम इसको छोड़े तो ये क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पहुंचा। यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो इनटू द प्लेन है तो इधर से थोड़ा बनाते हैं, देखिए इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो ऐसा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। ऐसा सर्कल कंप्लीट करा और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा, ये उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये जो सोर्स है, ये सोर्स ऐसा है कि ये अपना पोलरिटी चेंज हो रहा है, यानी कि एसी सोर्स हम ले रखे हैं, यानी कि एसी सोर्स है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा हर आधे रोटेशन के बाद चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि इट्स डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन में दो बार अपने डायरेक्शन चेंज करता है। यानी कि अभी जो है इधर प्लस इधर माइनस है, इसके बाद इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, यानी कि इधर से आया, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो यहाँ रेडियस भी बढ़ जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर जब यहाँ पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फर्स्ट वाले जैसा यहाँ गया, फिर से इसका रेडियस बढ़ गया, स्पीड बढ़ा, रेडियस भी बढ़ा। फिर आया, फिर से इसका स्पीड बढ़ा, फिर रेडियस बढ़ा, ठीक है। ऐसा ही एक सिलसिला चलता रहा, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहा, स्पीड बढ़ाता रहा और ऐसा आया, मान लेते हैं कि यहाँ से जब जा रहा था, जब भी एकदम इंड पे पहुंचा, यहाँ से मान लेते हैं तो चलता घूमता फिरता एक बार आया, यहाँ से चला गया, ठीक है। हम बहुत पहले निकाल दिए, लेकिन जब भी एकदम एंड से ऐसा जब पार हो गया, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड था चला गया, इसका हम रेडियस बोल रहे हैं कि आर रेडियस। तो जब इसका भी रेडियस आर हुआ होगा तो ये बाहर की तरफ निकल गया। अब हमको दिख रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था उसके पास अब कुछ वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस बीच वाले रीजन में, इस रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है। हर हाफ रोटेशन में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने का फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी और टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज का फ्रीक्वेंसी तीनों सेम है, तभी सब साथ साथ हो रहा है। क्योंकि हम टाइम इसमें जानते हैं कि रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड और एम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन, की साइक्लोट्रॉन है तो इस शेप का होता है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस केस में इधर की तरफ बीच में है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि हर आधे रोटेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होते रह रहा है। अब हम आते हैं कि बाकी सब पे, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ जो हमारा रोटेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का रोटेशन का टाइम पीरियड 2πm/qb, ये एम क्यू बी पे है, यानी कि ये फिक्स्ड है, किसी भी रेडियस के लिए फिक्स्ड है, यानी कि हर आधा रोटेशन फिर ये रोटेशन, यानी कि पूरा रोटेशन होने में इतना ही टाइम पीरियड लग रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर इसी के साथ साथ चलना है तो जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ चेंज ऑफ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर टाइम पीरियड ऑफ सोर्स, ये भी क्या होना चाहिए, 2πm/qb होना चाहिए, यानी कि शुड बी, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास दोनों के टाइम पीरियड हो सेम हो, क्योंकि ऐसा नहीं है
कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा तब तक इसका भी चेंज हो जाए, यानी कि इसका जितना टाइम पीरियड उतना ही इतना टाइम पीरियड, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है, जिसको हम सोर्स बोल रहे हैं, विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन यानी कि चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज इस पे मूव कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर यानी सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी देखो तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 1/T इक्वल टू QB/2πm, ठीक है, और जब भी इक्वल फ्रीक्वेंसी का कंडीशन आता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, जब भी दो चीजें हो और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो हमारा ये जो ऑसिलेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रोटेशन ऑफ चार्ज, तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी जाके ये हो पाए। ऐसा नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया आके यहाँ इंतजार करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तब हम चले, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के ऐसा यहाँ आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाना चाहिए, उधर हो जाएगा तो फिर से स्पीड बढ़ेगा, फिर ऐसा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसका स्पीड फिर घट जाएगा, घटेगा यानी धीरे धीरे वो स्लो होता जाएगा। तो उल्टा भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी फेक। अब ये जो है ये तो आया हमारा फ्रिक्वेंसी का बात। अब हम लोग इसी केस में जानते हैं कि सिंस जो आर होगा यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज, जैसे जो भी चार्ज है उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस आर इज इक्वल टू लिखते हैं MV/QB फॉर मैक्सिमम भी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड Vm है तो उसके लिए हमारा जो ये आर होना चाहिए ये साइक्लोट्रॉन के रेडियस के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एकदम लिमिटिंग केस में निकल रहा है, यानी कि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम हो गया होगा, लास्ट में ही ये ओपनिंग होता है, तो यहाँ से दोनों रेडियस आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो Vm इक्वल टू हमको दिख रहा है RQB/m, यानी कि हम अगर यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो, ये जो Q/m है इसको चार्ज बाय मास रेशियो बोलते हैं, आर रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन हो गया, आर क्या है तो रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो हमारा ये दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि Vm ऐसे प्रोपोर्शनल के टर्म में देख दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू आर एंड प्रोपोर्शनल टू Q/m रेशियो, ठीक है। चार्ज और मास को अलग भी हम दे सकते हैं लेकिन मोस्टली जगहों पे चार्ज बाय मास रेशियो हम लोग को दे दिया हुआ रहता है तो इसलिए चार्ज बाय मास रेशियो ही ले रहे हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर हमको वेलोसिटी मैक्सिमम पता है तो हम ऑल्सो मैक्सिमम इनर्जी हम निकाल सकते हैं, इनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। रेस्ट पे था, रेस्ट से हम उसको इनर्जी दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इनर्जी होगा काइनेटिक इनर्जी कितना होगा ½ m Vm का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो Vm है RQB/m उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R²Q²B²/2m, नीचे m स्क्वायर आता ऊपर से कट गया तो 2m, ये आया हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को ये चीजें पूछा जाता है तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज का पूछे, या फिर चार्ज का रेडियस में जो घूमने का टाइम पीरियड हो फ्रीक्वेंसी पूछे, तीनों सेम होता है, ठीक है।
तो ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि हमसे पूछना चाहेगा कि वही कि टाइम पीरियड बताओ, लेकिन पूछेगा क्या कि ऑसिलेटर का बताओ, सोर्स का बताओ। तो अगर ये पता रहेगा कि दोनों सेम रहता है तो हम उसका लिख के आ जाएंगे। ठीक है, Vm जितना रेडियस है, लास्ट रेडियस है जितना एकदम लास्ट में निकलेगा तो उसी से निकलता है। ठीक है, तो उससे अगर निकल रहा है तो आर के बराबर होता है, गोल गोल ऐसा घूमता हुआ वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब अगर हम इनर्जी का बात कर रहे हैं तो वीएम पता है, तो इनर्जी भी पता है। अब इसके लिमिटेशंस अगर है तो इसका लिमिटेशंस भी पूछ लिया जाता है। लिमिटेशंस कुछ खास ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। पहला क्या है लिमिटेशन, यही है कि मैक्सिमम अवेलेबल पार्टिकल एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम अवेलेबल पार्टिकल एनर्जी, पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल एनर्जी इज लिमिटेड। हम जानते हैं कि हम इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी का सारा जो भी होगा, मैक्सिमम अवेलेबल पार्टिकल एनर्जी जो होगा वो लिमिटेड होगा। क्यों होगा? बिकॉज पहला लिमिटेड पावर सोर्स जो है हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, लिमिटेड ही होता है, यानी कि लिमिटेड पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बोल सकते हैं, उसका लिमिटेड पावर है, इस वजह से हम मैक्सिमम एनर्जी जितना है उससे ज्यादा नहीं पा सकते। सेकंड जो भी दिया है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि बी जो है ये भी लिमिटेड है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मैग्नेट या कुछ भी यूज करते हैं तो ये भी हम लिमिटेड यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट करते। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसका स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा, जो भी हम यूज कर रहे होंगे उसका एक मैक्सिमम लिमिट होगा, यानी कि बी भी जो होगा लिमिटेड फॉर एनी मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट अगर यूज कर रहे होंगे, यानी कि जो भी साइक्लोट्रॉन होगा उसके लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा ये लिमिटेड रहेगा। थर्ड थर्ड जो है लिमिटेशन ये कहता है कि हम जानते हैं, वी नो दैट मास जो होता है वो एम नॉट वन वन माइनस ऐसा होता है अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, यानी कि मास जो होता है किसी भी पार्टिकल के लिए, मास फॉर एनी पार्टिकल जो होता है एम नॉट वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर होता है। हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट यानी अपने लिए कार गाड़ी ये सब के लिए वेलोसिटी जो होता है सी के स्पीड में बहुत कम होता है, तो हम लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, एम नॉट बोलते हैं रेस्ट मास। ये इक्वेशन पहले भी हम लोग देखे होंगे, इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स का बात करते हैं। तो फॉर चार्ज पार्टिकल्स हमारा देखें कि फ्रिक्वेंसी या हर जगह मास आ रहा है, वेलोसिटी में भी आ रहा है, टाइम पीरियड में भी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में भी आ रहा है, तो हर जगह मास का रोल होगा। और मास का रोल कैसे होगा, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी आया था क्यू बी बाई टू पाई एम, यानी कि लिख सकते हैं क्यू बी बाई टू पाई एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा ये चीज। तो अगर हम उसको एनर्जी का बात कर रहे हैं तो एनर्जी मास जैसे वेरिएबल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगा, एनर्जी भी वेरी करेगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है यहाँ पे पार्टिकल का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता रहेगा तो क्या होगा, तुरंत ही राउंड राउंड घूमना शुरू कर देगा। पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा था यानी कि ज्यादा टाइम लगा रहा था,
ज्यादा टाइम बोल रहे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था इसका मतलब कि जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा था, अभी धीरे धीरे रोटेट कर रहा हो, ठीक है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो इस चीज पे ये डिपेंड कर, यानी कि हमारा आगे चल के देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होता है, तो ये एक हमारा लिमिटेशन है जो कि हम आगे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बाद में ध्यान देंगे, फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि मास जो होता है हमारा वेलोसिटी के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा होगा। तो एक लिमिटेशन है कि हमारा फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं हो पा रहा है। ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी अगर हम फिक्स करें हैं तो चार्ज का फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से रेजोनेंस कर पाए वो कराने में हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकता है, इसलिए एक लिमिटेशन, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है कि साइक्लोट्रॉन क्यों यूज करते हैं। अब चूंकि आ नहीं रहा बोर्ड में तो इसका कंस्ट्रक्शन ये सब तो पूछने से रहा, बस हमको इसका पर्पस पता होना चाहिए कि क्यों यूज करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेडियस मैक्सिमम कितना होगा यानी वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा, एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, ये सारी चीजें हमको इसमें पता होना चाहिए। अब अभी पढ़े हम लोग तीनों चीज, वेलोसिटी सेलेक्टर हो, मास स्पेक्ट्रोमीटर हो या फिर साइक्लोट्रॉन, तीनों में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बोलो अंकित, शिवम, हाँ समझ में आ गया सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हम लोग पहले भी यूज करे हैं, गैल्वेनोमीटर जी से लिखे थे, यानी कि गैल्वेनोमीटर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता था तो ऐसा करते थे, बोलते थे कि डिफ्लेक्शन होगा, तो वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, ये हमारा एक मैग्नेट हो गया, एक क्वायल होता है, दूसरा मैग्नेट इधर है, ठीक है। इधर मान लेते हैं नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसके ऊपर जो होता है ऐसा क्वायल लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। मान लेते हैं इधर से किसी बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से जो भी है इसमें करंट ऐसे आई जा रहा है, ऊपर क्या करता है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसा लगा होता है और स्प्रिंग से एक पॉइंटर ऐसा लगा होता है जो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन ऐसा ये मार्कर बना होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा हमारा कुछ होता है सेटअप, ऐसा क्वायल है, यहाँ स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो होता है ऐसा वाला होता है, ठीक है, जिसको अगर हम घुमा दें टाइट कर दें फिर से वो इलोंगेट हो जाएगा, यानी कि टोर्जन स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग रेगुलर स्प्रिंग यूज करते हैं वो वाला स्प्रिंग नहीं, ऐसा देखोगे खिलौना वालौना में आता है कि हम चाबी जब बैठते हैं उसका तो ऐसा वायर लगा होता है उसमें, छोटे से अगर खिलौना देखोगे कार ये सब, तो चाबी ऐंठते हैं तो उसमें ये पूरा एकदम ऐंठा जाता है, उसके बाद जैसे छोड़ते हैं तो आगे की तरफ भागने लगता है, तो वाला स्प्रिंग है इसमें, ठीक है। ये पॉइंटर है, यानी कि यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन पे ही रहता है अगर करेंट जीरो हो तो। अब हमारा ये दो इंड होता है,
इस दोनों एंड को अगर हम किसी सर्किट में जोड़ दिए तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। तो इसमें दिख रहा है कैसा करंट कुछ बह रहा है, इधर से आई 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 ऐसा बढ़ता जा रहा है, पीछे से ऐसा एक आगे से आया तो हम पीछे से ऐसा मान ले रहे हैं इसको। ठीक है ऐसा तो करंट इसमें ऐसा बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रहा है इसमें इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमको दिख रहा है कि एक करंट कैरिंग क्वाइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर है एक, ये क्वाइल है हमारा। ठीक है, ये दोनों मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ वो कंपास है, ये जो है टॉर्जन स्प्रिंग बोल रहे हैं, ये पॉइंटर है जो कि हमारे जो रीडिंग होता है उस पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ऐसा हमको दिख रहा होगा कि क्वाइल जो है ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, और ये नॉर्थ है ये साउथ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें इधर से इधर ऐसा साउथ की तरफ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये क्वाइल है, क्वाइल में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, तो ये क्वाइल जो होगा हमारा पीछे से आया होगा, तो एक सर्कुलर क्वाइल की तरह दिख रहा है, हम बहुत एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये जो है हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट्स, जो भी मैग्नेट्स हम यूज कर रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड है। आई जो है करंट है, वो सब हम समझ पा रहे हैं। एन हम यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि क्वाइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारा एन है। ए जो यूज करेंगे हम एरिया यूज करेंगे। ठीक है, एरिया। आई जो है करंट हम समझ पा रहे हैं। तो अगर हमको ये सब दिख रहा है तो टॉर्क हम बोल सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू होगा हमारा एन आई ए इंटू बी। ठीक है, यानी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन क्वाइल। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग क्वाइल है तो उसमें एन आई ए यानी एम और एम क्रॉस बी होता है, तो हम लोग मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम टॉर्क है, तो हम लोग मैक्सिमम के लिए ही निकालते हैं, बाकी उससे मिनिमम यानी कि जो मैक्सिमम करंट होगा मैक्सिमम जो भी होगा उसी चीज का बात करते हैं। तो टॉर्क मैक्सिमम जो लग रहा होगा इतना लग रहा होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम है यानी कि थीटा जो होगा 90 डिग्री। थीटा किसके किसके बीच में, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अब इस मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो आएगा मैक्सिमम टॉर्क है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा विल बी मैक्सिमम। ठीक है, हम लोग पहले भी देखे थे, पहले भी क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही बोलता है या फिर रेंज बोलता है जीरो से समथिंग। ठीक है, और समथिंग जो रहता है वही लास्ट वाला जो टर्म रहता है मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम की बात हो रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क एन आई एल ई लग रहा होगा। ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और आई करेंट। नाउ फॉर स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, करंट इसमें बहा, इसमें करंट बहा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, यानी कि इस पे टॉर्क लगा। अगर इस पे टॉर्क लगा इस क्वाइल पे, तो टॉर्क रोटेट करा होगा, ये जो हुआ होगा टॉर्क की वजह से ये कुछ ऐसा या जिधर भी ये ओमेगा से रोटेट करा होगा, यानी कि हम टॉर्क लिखा रहे हैं कि टॉर्क लगा तो ये रोटेट करा होगा। ठीक है, अब ये टॉर्क से रोटेट हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ होगा, यानी कि ये जो हमारा क्वाइल है ये भी कुछ अगर मान लेते हैं रिलैक्स में ऐसा था, तो जब ये नीचे वाला पोर्शन ऐसा थोड़ा इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये पास पास हो जाएगा, ऐसा 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 मान लेते हैं, यानी कि ये भी कुछ टॉर्क, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर क्वाइल रोटेट करा
तो यहाँ पे ये भी रोटेट कर रहा है, तभी इसके साथ साथ ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि स्प्रिंग में भी कुछ टॉर्क जनरेट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस कॉइल रोटेट्स इम्प्लाइज दैट स्प्रिंग विल ऑल्सो रोटेट। ठीक है, स्प्रिंग रोटेट करेगा तो स्प्रिंग में भी टॉर्क जनरेट होगा, इसमें भी टॉर्क जनरेट होगा, और इसमें टॉर्क कितना होगा? मान लेते हैं अगर थीटा रोटेट हुआ, अगर ये थीटा रोटेट हुआ तो ये भी थीटा रोटेट हुआ, तो टॉर्क कितना होता है? तो सी इंटू थीटा लिखते हैं इसमें। सी को क्या बोलते हैं हम लोग? टोर्जन कॉन्स्टेंट। ठीक है, टोर्जन कांस्टेंट। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर हमारे पास एक ऐसा रॉड है, अगर इसको हम ट्विस्ट करें, इस एंड को फिक्स कर दें और इस एंड को ऐसे पकड़ के घुमाएं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, इसमें एंगल ऐसा मूव करेगा थीटा, तो इस केस में जो ट्विस्टिंग होता है, तो जो हमारा स्प्रिंग में केएक्स फोर्स लगता है, एक्स डिस्प्लेस करते हैं, तो इसमें ट्विस्ट होता है, तो इस ट्विस्टिंग के कारण इसमें हम लोग बोलते हैं टोर्जन, और इसको बोलते हैं टोर्जन कॉन्स्टेंट सी। इसमें जो टॉर्क लग रहा है इतना लग रहा है, ठीक है। और ये दोनों टॉर्क आपस में क्या होंगे? एक दूसरे की वजह से लग रहे हैं तो बराबर ही होंगे। तो हियर हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क लग रहा है और रीस्टोरिंग टॉर्क, ये तो रीस्टोरिंग यानी कि स्प्रिंग वाला फिर से उसको रीस्टोर कर देगा, तो हम बोलेंगे, और ये वाला इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको डिफ्लेक्टिंग बोला जाता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, और स्प्रिंग वाला यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क, दोनों बराबर होगा। तो यहां से हम दिख रहा है कि एन आई ए बी इक्वल टू सी इन टू थीटा होगा। तो यहां से हमको क्या मिल जा रहा है? आई इक्वल टू सी बाई एन ए बी इन टू थीटा। अब देखो कि अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे तो स्प्रिंग उसमें लगा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स लगा होगा, एरिया फिक्स होगा, और मैग्नेट है, सब फिक्स होगा। यानी कि फॉर एनी गैल्वेनोमीटर, सी बाई एन ए बी को के लिख दें तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी गैल्वेनोमीटर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दिए, तो कंस्ट्रक्ट कर दिए यानी कि ये चीजें, मैग्नेट उसमें लगा होगा, कॉयल लगा होगा, स्प्रिंग लगा होगा, तो सी, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स सारे फिक्स होंगे, सब फिक्स होंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो में सारे कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यानी सी बाई एन ए बी को बोलेंगे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, कभी कभी के से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इसलिए के लिख रहे हैं। बाकी अगर ये कांस्टेंट है, तो यहां से हम बोल रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट कि आई इजकल टू अगर के थीटा है एंड के इजकल टू अगर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, यानी कि हमने शुरू में जब हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़े थे, तो वहां बोले थे कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट, यानी मेजर नहीं, डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर करंट इन अ सर्किट। यानी किसी सर्किट में अगर हम करंट कंपेयर करना चाहते हैं, ज्यादा है कम है, तो उसको हम बोले थे कि यूज कर सकते हैं। कहां से? तो यहीं से। यानी कि किसी सर्किट में अगर डिफ्लेक्शन, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? डिफ्लेक्शन। थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन एंगल। अगर हम बोल रहे हैं कि डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो करंट ज्यादा बहा होगा, डिफ्लेक्शन कम है तो करंट कम बहा होगा, यानी करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि वी कैन कंपेयर करेंट इन सर्किट यूजिंग गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर यूज करके हम लोग इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा है। अगर हम एंगल देख रहे हैं, यानी कि अगर हमारा जो ये हमारा मीटर था जो भी था, यहाँ पे ये जीरो डिफ्लेक्शन वाला है, यहाँ पे इधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हुआ या फिर इधर की तरफ, तो डायरेक्शन एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन, और दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा यानी करंट का डायरेक्शन चेंज। लेकिन अगर हम बोले कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया थीटा वन, एक में थीटा टू, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, बताओ करंट किस में ज्यादा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं। अब इसमें जो टर्म्स यूज होता है उस चीज पे आ जाते हैं, यूज्ड, ठीक है। तो एक तो यूज होता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गैल्वेनोमीटर है कितना सेंसिटिव है करंट से, करंट से सेंसिटिव है या नहीं है, यानी कि थोड़ा सा भी करंट को डिफ्लेक्ट करेगा यानी कि उसके लिए बहुत ज्यादा होगा, होता है बहुत लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग अनसेंसिटिव होते हैं, किसी को कांटी किल भी चुभा हो तो ज्यादा वो लोग रोते नहीं है, किसी को चींटी भी काट लो तो रोना शुरू, तो बोलते हैं कि कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव है कुछ लोग कम सेंसिटिव है। तो वैसे ही यहाँ भी कोई भी गैल्वेनोमीटर है, करंट सेंसिटिविटी कहने का मतलब है कि वो करंट से कितना सेंसिटिव है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर ठीक है, इट इज डिफाइंड एज गैल्वेन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, अगर हम यूनिट करंट पास करेंगे तो कितना डिफ्लेक्ट करेगा उसी को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और टर्म से बात समझे तो ये हमको ये बताता है कि अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर में वो कितना सेंसिटिव है टू करंट, यानी कि थोड़ा सा पे भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्या होगा उस चीज पे, तो आईएस जो होता है इसको आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है डिफाइन करते हैं हम थीटा बाई आई को, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, तो यहाँ से ध्यान से देखें तो थीटा बाई हमको आई क्या दिख रहा है, एन ए बी बाई सी, एन ए बी बाई सी, ठीक है। तो आई एस यानी करंट सेंसिटिविटी होता है एन ए बी बाई सी, ठीक है। इसके यूनिट देखो तो रेडियन पर एम्पियर बोल सकते हैं या डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, यूनिट रेडियन पर एम्पियर या फिर बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, ठीक है। इसका यूनिट अगर हमको बोला जाए तो हम रेडियन पर एम्पियर, क्योंकि थीटा बाई आई है, थीटा बाई आई है, तो हम इसको बोलेंगे रेडियन पर एम्पियर या फिर डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, दोनों में से जो भी यूज करना चाहे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमको आई का बात करा जाए तो एन ए बी बाई सी है, तो एन ए बी बाई सी है, तो ये चीज जो आई जो है डिपेंड कर रहा है कि हमारा कंस्ट्रक्शन पे, यानी कि हम कैसा कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं उस चीज पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि एन नंबर ऑफ टर्न, यानी कि अगर हमको करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है और टोर्जनल कांस्टेंट का इनवर्स, तो हम करंट सेंसिटिविटी इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें या फिर
सी का वैल्यू घटा दे, यानी ऐसा स्प्रिंग यूज करे जिसका टॉर्जन कॉन्स्टेंट कम। ठीक है, सेकेंड जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वही चीज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वोल्टेज के प्रति हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस में जितना करंट ये जो अप्लाइड है वो चीज है। ठीक है, तो उसके क्रॉस में टर्मिनल्स के लॉन्ग में जितना भी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में पोटेंशियल हम अप्लाइड करें उसी पर यूनिट को डिफाइन करते हैं, इसको वीएस लिखते हैं। वीएस जो लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, थीटा बाई फी। अगर आई करंट था तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाई आई इंटू आर, तो ये जो आ जाएगा हमारा एन ए बी बाई सी आर। ठीक है, ये आएगा एन ए बी बाई सी आर, तो ये चीज आया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमको दिख रहा है फॉर्मूले से कि हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो हम एन ज्यादा कर दे या बढ़ा दे या सी को घटा दे। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट एक चीज है, उसको नोट कर लो। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दे तो ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। ठीक है, नोट पॉइंट ये है, क्योंकि फॉर्मूला से देखो तो हमको क्या दिखेगा, एन ए बी सी बाई आर, आर फिक्स्ड मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खैर हम ये पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं नोट पॉइंट कि वोल्टेज वीएस डज नॉट डिपेंड ऑन आईएस। ठीक है, यानी कि इट डज नॉट इम्प्लाई डेट कि अगर हम आईएस बढ़ा दिए, करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। मे भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि मे बी के लिए ट्रू है लेकिन ऑलवेज के लिए फॉल्स है। कैसे, एग्जाम्पल इफ एन इज डबल्ड। ठीक है, एन को टू एन कर दिए तो आई जो होगा हमारा एन ए बी होता है, तो आई जो हो जाएगा आई एस वो भी 2IS हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिए तो देखो यहां से नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिए तो IS भी डबल हो जाएगा। लेकिन VS के बारे में कैसे क्या कहेंगे, VS के बारे में डबल होगा क्या होगा, बोलो एनी थॉट, कोई थॉट है तो बोलो, कोई भी डबल होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स माने तो नहीं होगा, लेकिन और कोई थॉट होगा तो क्यों नहीं होगा। कोई भी सोच के बोलो, फॉर्मूला में ही हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस, बात सही है। कैसे, तो अगर हम एन को डबल कर दिए यानी कि हम लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिए, यानी कि हम रेजिस्टेंस को डबल कर दिए। ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें तो लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिए यानी कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिए। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिए तो देखो यहाँ ऊपर भी टू है, ऊपर भी टू नीचे भी टू, यानी कि वी एस जो रहा पहले
बाद में भी वही रहा। यानी कि यहाँ पे हम एक चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स पढ़ाएं तो आईएस डबल हो गया लेकिन वीएस सेम रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आईएस को डबल कर दिए तो वीएस भी डबल हो जाएगा। और ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको दिख रहा है वी इक्वल टू आई इंटू आईएस इंटू आर कर देंगे तो वीएस दिख रहा है। देखो इसमें है आईएस जो है इतना है, ये ऊपर आईएस बाई आर दिख रहा है। ठीक है आईएस बाई आर है जो भी है, उसके रिलेशन में नहीं जाना है। ठीक है तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि भी और आई दिखता है तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कर लेते हैं, तो वो चीज को नहीं करना है। यहाँ आईएस और वीएस जो है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी यानी कि वो कितना सेंसिटिव टू करंट है, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कितना सेंसिटिव टू वोल्टेज, यानी कह सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और इसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। रोज वो डिपेंड कर रहा है हमारा कंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जब हम बना रहे होंगे उसी समय हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो ये फिक्स है। फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर आईएस एंड वीएस आर फिक्स्ड, क्योंकि उसमें हम ना तो वायर चेंज कर सकते हैं, अब खोल के करेंगे तभी होगा, मार्केट से खरीद के ला दिए तब नहीं होगा। ये सब चीजें होता है गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर और बाकी इसके बाद यही सब चीजें हम लोग डिफ्लेक्शन पर यूनिट ये सब जो भी चीजें पहले दिया हुआ रहता था तो यही चीजें चीज दिया रहता था। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये जो थीटा मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम जब पास कर रहा होगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा नंबर ऑफ डिवीजन के टर्म में। तो वैसे वैसे सवाल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं। अब इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर और एम मीटर में कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग कन्वर्जन भी पढ़ चुके हैं। तो इस चीज को एक बार और देख लेना है और आगे अगर करें इस पे ज्यादा सवाल नहीं मिलता है, टॉर्क फाइंड करो, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, मोस्टली सवाल जो रहता है जो हम लोग पहले बनाए हैं वैसा ही मिलता है, मतलब वोल्ट मीटर और एमीटर कन्वर्जन। इससे जो मिलेगा डायरेक्टली इसी टाइप का मिलेगा, तो इस चीज को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो पूछो, बोलो। नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ से। बायोट सेवर्ट लॉ यानी कि वही कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना होगा किसी मूविंग चार्ज की वजह से या करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। नहीं है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।